आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप कांड के बाद अब कोलकाता जल रहा है। एक तरफ है भीड़, हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स नबानों मार्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ है कोलकाता पुलिस। भीड़ और पुलिस के बीच भयंकर झड़प का ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लोहे की दीवारें पुलिस के बड़े जत्थों के साथ नजर आएगा लोगों का आक्रोश। बड़ी बात यह है कि सड़क पर सिस्टम और जनता के बीच जारी ये जंग सीएम ममता बनर्जी के कार्यालय तक पहुंचने के लिए हो रही है। आरजीकर कांड के बाद पश्चिम बंगाल छात्र समाज नाम के एक संगठन ने आज नबाना अभियान का ऐलान किया, जिसके बाद ममता बनर्जी सरकार की नींद उड़ गई। स्टूडेंट्स का ये मार्च किसी तरीके से नबानो भवन तक ना पहुंचे, इसके लिए ममता सरकार की कोलकाता पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और देखते ही देखते ये झड़प हिंसक हो उठी। बता दें, छात्रों की ये भीड़ ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। कोलकाता से हावड़ा तक 6000 जवानों की तैनाती की गई, साथ ही पुलिस की ओर से 19 जगह बैरिकेडिंग की गई। पूरा शहर जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। वीडियो में सीएम ममता के खिलाफ गुस्सा साफ देखा जा सकता है। दूसरी तरफ कुछ जगहों पर पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज भी किया है। मामले को शांत करने के लिए और सड़कों को खाली करवाने के लिए वाटर कैनन और आंसू गोले भी छोड़े गए हैं। आरजीकर हॉस्पिटल कांड के बाद छात्रों का आक्रोश सातवें आसमान पर है। ये मार्च कोलकाता से हावड़ा तक दो रास्तों पर हो रहा है। पहला मार्च सांतरागाछी से नबानो और दूसरा मार्च कोलकाता स्क्वायर से लेकर नबानो तक है। मार्च का ऐलान होते ही नज़ारा हिंसक होने लगा और कंटेनर लोहे की जालियों से दोनों ही रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर कंटेनर और बैरिकेड लगाए गए। मामला यहीं खत्म नहीं होता, बैरिकेड पर ग्रीसिंग की गई है। बता दें, पिछले कई सालों में ये ममता सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। कोलकाता की सड़कों पर छात्रों का सैलाब उमड़ा। इनकी सिर्फ एक ही डिमांड है, कोलकाता रेप मर्डर कांड की सच्चाई सामने आए और पीजी डॉक्टर को इंसाफ मिले। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये मामला केवल कोलकाता की एक बेटी का नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के हर एक नागरिक की सुरक्षा का मुद्दा है।